गुड इवनिंग फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग और बताइए कैसे आप सब आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और हम सब भी अच्छे हैं तो फ्रेंड्स अभी टाइम हो रहा है शाम के लगभग साढ़े पाँच साढ़े पाँच से थोड़ा ऊपर ही हो गया होगा और बाहर बहुत अंधेरा हो गया है क्योंकि मौसम बहुत ख़राब था तो बस यहाँ पर देखिए मैं और हस्बैंड लगे हुए हैं कुछ काम में तो मैं जहाँ खाना बनाती हूँ ना तो उसके ऊपर जो लाइट जो बल्ब लगी हुई है वो जो है लाइट से जलता है इन्वर्टर से उसका कनेक्शन नहीं था तो मुझे काफ़ी दिक्कत हो जाती थी जब मैं खाना बनाती थी और वीडियो वगैरह शूट करती थी तो जैसे ही लाइट चली जाती थी तो वो लाइट बंद हो जाती थी तो काफ़ी जो है परेशानी होती थी और मैं हस्बैंड से काफ़ी दिनों से बोल रही थी कि यहाँ पर जो है इन्वर्टर का कनेक्शन कर दो इन्वर्टर का कनेक्शन कर दो बट वो है उनकी सुन ही नहीं रहे थे बस कई बार जो है फ़ोन कर चुके थे इलेक्ट्रीशियन को बट इलेक्ट्रीशियन भी जो है आने का नाम नहीं ले रहा था तो आज तो मैंने ठान लिया था कि आज मैं इनसे अपना ये जो काम है करा कर रहूँगी चाहे कुछ भी हो जाए तो मैं सुबह से ही लगी हुई थी फाइनली अब हस्बैंड को जो है टाइम मिल गया था तो कुछ भी नहीं था बस वो जो किचन काउंटर के ऊपर लाइट थी ना मैंने हस्बैंड से बोला कि इसको जो है इन्वर्टर से कर दो तो इसके लिए एक डोरी लानी थी ये वाला जो बोर्ड है ये इन्वर्टर से था तो यहाँ तक आ, डोरी लानी थी पहले जिस बोर्ड में लगा था वो इन्वर्टर का नहीं था तो मैंने हस्बैंड को कुछ सामान बता दिया था डोरी और प्लग वगैरह लाने के लिए बोला था कि जो किचन वाला जो बल्ब है उसमें वो जो प्लग वाला होल्डर होता है ना वो लगा दो तो उसी में से जो है एक डोरी लेकर जो टीन शेड है उसमें भी इन्वर्टर वाला बल्ब हम पहुंचा देंगे तो सिर्फ इतना सा काम था इतने से काम में हस्बैंड ने इतना टाइम लगा दिया वो इलेक्ट्रिशियन के भरोसे वो बैठे थे वो आ नहीं रहा था तो काम भी जो है नहीं हो पा रहा था तो इतनी सी बात अगर पहले मान ली होती तो जो है कब का ये काम हो गया होता तो फाइनली आज जो ये काम था हो गया था वही होता है ना कि अः कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हस्बैंड्स के दिमाग में नहीं आती हैं बट हम हाउस वाइफ के दिमाग में आ जाती हैं बट हस्बैंड्स का क्या होता है ना कि अगर वाइफ की बात मान लेंगे तो थोड़ा उनको वो लगता है तो वही शायद मेरे हस्बैंड का था इतने दिनों से नहीं सुन रहे थे बट आज जब हो गया ना तो इतना ईजी था कि हस्बैंड भी खुश हुए बोले कि हाँ दिमाग तो है तुम्हें और यही अगर किसी इलेक्ट्रीशियन को बुलाते तो दो सौ तीन आराम से इतने से काम के लिए जाता और सामान जो आता वो अलग तो वही घर बैठे बिना किसी पैसे के काम हो गया तो दोनों बल्ब इन्वर्टर से हो गए थे तो मुझे जो है काफी सुविधा हो गई थी देखिए वो काम करने के बाद यहाँ पर मेरे कुछ कपड़े पड़े हुए थे वो सारे मैंने फोल्ड कर कर रखे और उसके बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में अपना जो है डिनर बनाने के लिए तो मेरे पास दो सोयाबीन रखी सॉरी शिमला मिर्च रखी हुई थी तो वो मैंने कट कर ली है तो देखिए ये वाला बल्ब था तो ये इस तरह से डोरी पूरी लंबी करके जो है इस बोर्ड में ले आए हैं और इसी वाले बल्ब से जो है प्लग लगा के बाहर जाली जो नेट है उसमें से डोरी लेकर बाहर टीन शेड में जो है चला जाएगा तो वो भी इन्वर्टर से हो जाएगा क्योंकि टीन शेड में भी इन्वर्टर का बल्ब था नहीं था तो अंधेरा हो जाता था जब लाइट चली जाती थी तो दोनों काम जो है हो गए तो काफ़ी जो है अच्छा रहा तो देखिए यहाँ पर सारी तैयारी तो मैंने कर ली थी डिनर की सब्जी वगैरह सब काट ली थी बस यहाँ आलू काटने रह गए हैं तो वो भी फटाफट से मैं कट कर लेती हूँ उसके बाद फिर जो है मैं बनाऊँगी डिनर तो सुबह मैंने नाश्ते में नूडल बनाए थे तो उसी के लिए मैंने शिमला मिर्च और पत्ता गोभी मंगाई थी तो आधी उसमें मैंने यूज़ कर ली थी और डेढ़ जो है बची हुई थी तो सोचा अभी के लिए ही बनानी है थोड़ी सी तो यही बना लेते हैं तो बस यहाँ पर सारी तैयारी करने के बाद मैंने गैस पर पैन रख दिया और ऑयल डाल दिया ऑयल गर्म हो गया उसमें जीरा हींग हिंग डाल दिया प्याज और हरी मिर्च डाल दिया हल्का सा सॉल्टी कर लिया उसके बाद टमाटर डाल दिया और साथ में जो है नमक डाल दूंगी और ढककर इसको थोड़ी देर पकाऊंगी जिससे कि जो टमाटर है वो सॉफ्ट हो जाए बस थोड़ी देर में ही हमारा जो टमाटर है वो पक गया है उसके बाद उसको थोड़ा सा मैंने मैश कर दिया है शिमला मिर्च की सब्जी ना बहुत जल्दी बन जाती है और टेस्टी भी लगती है खाने में बट मेरी बाबू नहीं खाती है और वो वैसे भी बहुत जो है कम ही सब्जियां खाती है दाल वगैरह आराम से खा लेगी बट जो ये जो इस तरह की सब्जियां होती हैं वो कम ही खाती है तो इसीलिए मुझे अपनी सब्ज़ी में ना आलू थोड़े से ज़्यादा ऐड करने पड़ते हैं क्योंकि दोनों ही बच्चे जो है आलू ही निकाल निकाल कर खाते हैं बाकी की जो सब्जी उसमें डली होती है मटर हुई गोभी हुई ये शिमला मिर्च वगैरह इस तरह की सब्जी नहीं खाते हैं तो बस यहाँ पर पहले मैंने आलूओं को थोड़ा सा जो है पका लिया था क्योंकि शिमला मिर्च पकने में टाइम नहीं लगता है आलूओं में टाइम लगता है तो लगभग आधे फिफ्टी परसेंट मैंने आलू पका लिए थे उसके बाद मैंने जो शिमला मिर्च है वो ऐड कर दी है तो बस इसको अब ढककर हम पकने देंगे लो फ्लेम पर क्योंकि हमें सूखी सूखी ही बनानी है पानी ऐड नहीं किया है और जब तक सब्जी बन रही है साथ के साथ इधर मैं आटा लगा कर तैयार कर देती हूँ रोटियों के लिए तो हमारा जो आटा है वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा तो इस टाइम देखिए लाइट नहीं आ रही थी और फिर भी जो है यहाँ पर उजाला था क्योंकि ये इन्वर्टर से हो गया था पहले जब लाइट चली जाती थी आपने कई बार देखा होगा तो अंधेरा हो जाता था इसी वजह से मैं काफ़ी दिनों से हस्बैंड से बोल रही थी तो यहाँ पर अब देखिए हमारी जो सब्जी है वो हो गई है बनकर तैयार और बाहर ना बारिश होने लगी थी जैसे कि मैंने बताया मौसम बहुत ख़राब था तो बारिश होने लगी थी और सारी रात आज सच में बारिश हुई थी सुबह मॉर्निंग में जाकर ही जो है बारिश बंद हुई थी उसके बाद भी दिन में हल्की फुल्की रिमझिम कभी कभी हो रही थी तो यहाँ सब्जी हमारी रेडी हो गई है उसमें मैंने डाल दिया है फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया तो बस सब्जी हो गई है तो इसको अब हम बंद कर देंगे और इसको नीचे उतार देंगे और फटाफट से बना लेते हैं गर्मा गर्म रोटियाँ और जैसे ही रोटियाँ बन जाएंगी तो फिर हम अपना जो डिनर है वो कर लेंगे और आज ना फिल्म आ रही थी आदि पुरुष तो टी वी इससे पहले पता नहीं आई है या नहीं बट हम तो जो है आज फर्स्ट टाइम ही उसको देख रहे थे तो बस यही था कि यहाँ पर मैं रोटियां बना रही थी और हस्बैंड जो है आ, साथ में पीछे आप देख रहे होंगे वो अपना सैलेड का सामान निकाल रहे हैं क्योंकि वो कट कर रहे हैं सैलेड सैलेड जो है कट करने का काम जो है मोस्टली हस्बैंड का ही होता है आपने ब्लॉग में कई बार देखा होगा मैं रोटी बनाती हूँ जब तक वो सैलेड कट कर लेते हैं तो यहाँ रोटियां बन गई थी उसके बाद यहाँ बैठ गए हैं खाना खाने के लिए और यहाँ फिल्म थी वो भी स्टार्ट हो गई थी आदि पुरुष तो जैसे कि काफ़ी उसके बारे में सुना था कि काफ़ी उसमें जो है गलतियां हैं काफ़ी कमियां हैं तो ये बात सच है उसमें काफ़ी ऐसी मिस्टेक्स हैं बट फिर भी उसके बाद देखने में ठीक लगी टाइम पास थी तो बस वही हम लोगों ने पूरी देखी थी और उसको देखते देखते जो है आज हमको काफ़ी लेट हो गया था और मेरा काम भी काफ़ी लेट हो गया था क्योंकि मैं भी बीच बीच में फिल्म देखने बैठ जाती थी और काम मेरे काफ़ी लेट हो गए थे अभी तो फिलहाल यहाँ पर डिनर कर रहे हैं और देखिए अभी है अभी से तो मैं बहुत परेशान हूँ सच में बिल्कुल भी सब्जी नहीं खाता है बाबू फिर भी खा लेती है बट अभी अब छोटा था ना तो सब्जी खाता था बट अब धीरे धीरे सब्जी छोड़ता जा रहा है तो मेरी समझ में नहीं आ रहा किस तरह से जो है मैं उसको सब्जी खिलाऊं आपके पास कोई आइडिया हो तो जरूर बताइएगा तो यहाँ डिनर वगैरह हो गया था उसके बाद में लग गई थी अपना किचन क्लीनिंग में और यहाँ हस्बैंड से बातें भी हो रही थी वही फिल्म चल रही थी उसी की जो है बातें हो रही थी और किचन जल्दी से मैंने कर दिया था अपना क्लीन और बर्तन मैंने नहीं धुले थे अभी क्योंकि लाइट जो है बार बार आ रही थी जा रही थी तो बाबू की मुझे जो स्कूल यूनिफॉर्म थी वो आयरन करनी थी क्योंकि यही था कि अगर लाइट चली गई फिर नहीं आई तो बाबू की फिर यूनिफॉर्म जो है रह जाएगी आयरन करने के लिए तो बस किचन क्लीन करने के बाद मैंने झाड़ू लगाया और फिर मैं यहाँ पर बाबू की जो यूनिफॉर्म थी वो आयरन करने लगी इसको पहले कर देते हैं बर्तन तो बाद में भी धुल देंगे तो बस यहाँ पर यूनिफॉर्म आयरन करने के बाद सारी चीज़ें मैंने उसकी इकट्ठी करके एक साथ ही रख दी थी जिससे कि सुबह उसको जो है ढूंढनी ना पड़े और बस उसके बाद यहाँ पर जो बेडशीट और आयरन है इसको मैं रख देती हूं। और बाबू को आने लगी थी नींद वो तो लेट गई थी बट अभी जब तक हम जागे थे ना तब तक वो बिल्कुल नहीं सोया हमारे साथ ही सोया था और यहाँ पर फिर मैंने जो बर्तन थे वो धुले जब तक मैं बर्तन धुल रही थी तब तक हस्बैंड ने बना ली थी कॉफी क्योंकि वो जाग रहे थे तो मौसम भी काफी ठंडा था तो उन्होंने कॉफी बनाई तो आधा आधा कप बना ली थी उन्होंने पहले ही पी ली थी मैं बर्तन धुल रही थी तो मेरी ठंडी हो गई थी तो फिर मैंने भी पी ली उसके बाद अपना स्किन केयर वगैरह किया अभी के लिए दूध लेकर रखा और बस बैठ गई हूँ और अभी लगभग पौने ग्यारह का टाइम हो रहा है थोड़ी ही फिल्म बची है दस पंद्रह मिनट की तो वो देख उसके बाद लेटेंगे और देखिए बाबू सो गई है और अभी को अभी कहीं भी नींद नहीं है कि दिन में सो जाता है ना तो फिर वो काफ़ी लेट सोता है और हम जाग ही रहे थे तो इस वजह से फिर वो भी नहीं सोया अगर हम लेट जाते तो फिर जो है वो भी सो जाता बस यहाँ पर थोड़ी बहुत जो फिल्म है उसको देखेंगे उसके बाद अपना लेटेंगे और इस लॉक को करेंगे यहीं पर एंड आशा करूंगी पसंद आया होगा पसंद आया तो लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा बाय गुड नाइट